तेरा भाई उसको वन डाउन भेज रहे हो ओपनर को और गिल बल्ला पकड़ के ऊपर आ रहा है, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? या कहते हुए डर लगता है क्या गिल जो है वो आ जाएंगे सपोर्टर, जैसे बाबर के सपोर्टरों ने इस वक्त हिलाया हुआ है। यंग इंडियन टीम ने जो यंग गई थी, जिम्बाब्वे की भी यंग टीम थी, इस टीम ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक शानदार विक्ट्री हासिल की है, 4-1 से भारत ने सीरीज को जीता है। और संजू सैमसन अब बता रहे हैं कि भाई कितने ज्यादा अरसे से वो टीम इंडिया में आने की कोशिश में तो हर बंदा ही होता है, लेकिन चांस भी उस तरह तसलसल से मिले नहीं है संजू सैमसन। रिंकू सिंह एंड दुबे एंड संजू सैमसन के इंडिया जो है आफ्टर अ फैंटास्टिक स्टार्ट, पहले ओवर की पहली दो बॉलों पे, बल्कि आप समझे एक बॉल पे पहली 9 बॉल थी, 7 रन हुए छक्का आया, दूसरी बॉल पे छक्का आया 13 हुए, तीसरी बॉल बीट हुई और चौथी बॉल पे जसवाल के किले खड़क गए, फिर अभिषेक आए, अभिषेक साहब आपने छक्का छक्का मार लिया, आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? बॉलर तो देखे कौन सा बॉलर है, नहीं जल्दबाजी है। 40 पे 3 आउट हो गए गिल, जब भी जरूरत होगी टेस्ट प्लेयर। बाबर को तो बड़े आराम से लोग कह देते हैं जिम बाबर, लेकिन ये क्योंकि इंडियन है गिल, इसको नहीं कहेंगे। आज भी 14 बॉलों में 13, भाई आराम से खेल, क्या जल्दी है, क्या तेरा छूट गया पिछली बॉल पे आपका क्या छूट गया? अबे भाई उसको वन डाउन भेज रहे हो ओपनर को और गिल बल्ला पकड़ के ऊपर आ रहा है, तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? या कहते हुए डर लगता है क्या गिल जो है वो आ जाएंगे सपोर्टर, जैसे बाबर के सपोर्टरों ने इस वक्त हिलाया हुआ है, इन्होंने पूरा यूट्यूब हिलाया हुआ है, सोशल मीडिया हिलाया हुआ है, बाबर बाबर, अबे लिखो जिम्बाबर, जिम्बावर लिखो। कमाल है यार, आज 4-4 छक्के सेंचू मार रहा है, 39 बॉलों में 50 है, हालात तो देखो, 40 पे 3 आउट छोड़ के चले गए, कप्तान भी अभिषेक भी और जसवाल भी, 2 छक्के आ गए हैं, पीछे अटट गए, यार तू उसके अंदर रजा को छक्के ना मार तो कयामत आ जाएगी। बहरहाल दुबे की शानदार बैटिंग, संजू की बैटिंग, पराग भी नॉट बैड, देखे वहां पे अगर 60 रन की पार्टनरशिप ना आती हिंदुस्तान कभी भी 167 तक ना जाता, कभी भी। 122 थे 16 ओवरों में, 122, ये 45 रन जो है आखिरी 24 बॉलों में कभी ना आते, क्योंकि 17वें ओवर में 2-3 रन आए हैं, 18वां ओवर भी माजरत ही था। ओ भाई मूसा रब्बानी और निगारवे को आप मार रहे हैं, जो मार ही नहीं खाते, जो कुट्टी नहीं खाते वो आप मारे 107 मीटर, 100 प्लस मीटर के छक्के, बार छक्के जा रहे हैं, इसके बावजूद अगर संजू को लोग कह रहे हैं आज मुश्किल हालात में, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि आप बाइस्ट हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी के पीछे जाते हैं। अगर संजू अपना नाम गिल रख ले, संजू अपना नाम कुछ और रख ले तो शायद बच जाए। जसवाल की गलती, अभिषेक की गलती, गिल की गलती है, आप संजू को ब्लेम कर रहे हैं, संजू को और पराग को मैं नहीं ब्लेम कर सकता, अगर वो दोनों ना खड़े होते हिंदुस्तान यहाँ तक कभी ना पहुँचता, ये दुबे को कंडीशन चाहिए, और वो जहाँ आता है रिंकू सिंह वो बिल्कुल नीचे आता है, एंड पे उसने छक्का चौका मार के 167 तक, कभी ना पहुँचता हिंदुस्तान अगर संजू सैमसन और रियान पराग अकलमंदी ना दिखाते, अगर 40 ओवर का पावर प्ले था, 40 पे 3 आउट थे, यही 100 टपा गए, अगर ये दोनों और 10 ओवरों में 70 रन थे और क्या चाहिए, आखिरी 10 ओवरों में 100 आता है तो करना चाहिए, तकरीबन 100 आ ही गया। देखें बात ये है कि गिल जो है वो T20 में आपको मरवा देगा, उसे भी बाबर की तरह शौक या बल्ला उठाता है आ जाता है, दो दो चौके मारता है, उसके बाद इतना नीचे जाता है, पता नहीं कैसे एक मैच हार गए, लेकिन 4-1 से भारत ने सीरीज जीत ली और आज के मैच के अंदर भी आउट प्ले करके रख दिया, एक बहुत ही शानदार किस्म की विक्ट्री आई है इंडिया के नाम। इंडिया ने जिम्बाब्वे वाली जो सीरीज थी, यंग इंडियन टीम ने जो यंग गई थी, जिम्बाब्वे की भी यंग टीम थी, इस टीम ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक शानदार विक्ट्री हासिल की है, 4-1 से भारत ने सीरीज को जीता है। और अगर बात करें आज की, तो आज
नए प्लेयर्स हमें देखने को मिले जो अभी आए थे टीम के अंदर। संजू सैमसन खैर पुराना ही है लेकिन खेल वो रहे थे, पहला मैच था उनका और उन्होंने आज आते साथ ही 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनकी जो कहते हैं जो बॉल्स थी वो उन्होंने 45 खेली लेकिन फिर भी पिच के लिहाज से सही खेला। दुबे ने आज बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, शिवम दुबे ने आज 12 बॉलों पे 26 किए, मैच को एक एंड के ऊपर आके क्रूशियल रन से स्कोर किए। फिर अगर बात करें मुकेश कुमार की तो मुकेश क्या ही बात है मुकेश कुमार की जनाब, जन्म उन किस्म का मैच समझ रहे बॉलर है, जब जब नए बॉल से आता है विकेट निकाल के जाता है और आज भी इसने जो विकेट निकाली है जो चीज इस पूरी सीरीज के अंदर मुझे अच्छी लगी है मैं जनवर आपको बता रहा हूँ वो है मुकेश कुमार की बॉलिंग विद न्यू बॉल। इसने न्यू बॉल से किलियां उड़ाई है, किलियां उड़ाने के अंदर ये फेमस है, इसने किलियां उड़ाई है और बड़े आराम से किलियां उड़ाता है। आज भी शानदार किस्म की बॉलिंग की है। अब अगर आप बात करें तो आज मेरा दिल कह रहा था, मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म हुआ है आज वो ओपनिंग नहीं करेंगे लेकिन नहीं, गिल ने भी थामी हुई है कि उसने जिसको कहते हैं किसी की नहीं सुननी, उसने आज भी ओपनिंग की और हुआ कुछ यूके। देखिए मैं क्यों कह रहा था जायसवाल की जो सेंचुरी है वो पिछले मैच में आ जानी चाहिए थी, वो इसी वजह से जायसवाल जैसा जो प्लेयर है वो रुकता नहीं है। उसने बताया उसने आज पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा वो नो बॉल हो गया, जीरो बॉल के ऊपर 7 रन मिल गए लेकिन जायसवाल के लिए वो काउंट होगा। फिर उसने दूसरी बॉल जब उसने पहला बॉल अपनी तरफ से करवाया उसके ऊपर भी छक्का मार दिया तो रिकॉर्ड उसने बनाया, एक ओवर के अंदर उसने एक बॉल के ऊपर 13 स्कोर किए। ये जायसवाल की ताकत है, ये जायसवाल इस चीज के लिए जाना जाता है। अब हुआ कुछ यूं कि जायसवाल जो है ना वो जायसवाल ऐसे ही खेलेगा। अब ऐसा जो प्लेयर होता है ना अगर वो इतनी हिटिंग करता होता है तो उसका विकेट गिरने का भी चांस ज्यादा होता है। तो जायसवाल के ये जो 13 रन से मेरी नजर के अंदर 12 रन से ये शुभमन गिल के 50 से ज्यादा बेहतर थे। जायसवाल ने जो बल्लेबाजी की आप ये देखें कि अब ये 10 में से 2-3 मैचेस ऐसे होते हैं कि इसके अंदर 70-80 में जाएगा, तो 70-80 में अगर वो जाता है तो फिर वो सेंचुरी डिजर्व भी करता होता है। अब होगा क्या आज के मैच के अंदर से तेज खेलने की फुल कोशिश की कि आज भी अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा तो वो आज बेचारा आउट हो गया, सिकंदर रजा ने उसको आउट कर लिया। लेकिन आप ये देखेंगे जिम्बाब्वे इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ी जो जिम्बाब्वे की हारने की वजह थी ना मैं आपको जनवर बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे की जगह कोई और टीम होती उसकी अगर फील्डिंग भी अच्छी होती ना तो वो सीरीज के अंदर मुकाबला करती। जिम्बाब्वे ने इस सीरीज के अंदर हर मैच के अंदर 2-2 कैचेस छोड़े हैं जो कि बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना बेनिफिट भारत को मिला था। आज भी अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ा, फिर शुभमन गिल का कैच छोड़ा लेकिन एट दी एंड हुआ क्या कि कैचेस पकड़े गए लेकिन संजू सैमसन ने आज रीजनेबल विकेट गिरी हुई थी उसके बाद बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। कैसी लगी संजू सैमसन की बल्लेबाजी? यार बिल्कुल संजू सैमसन की तारीफ बनती है क्योंकि वो ओवरऑल टीम में बिल्कुल फ्लो के साथ रहा नहीं है, मतलब अगर वो परफॉर्मेंस भी देता है तो वो एक सीरीज में खेलेगा तो अगली 4-5 सीरीज में बाहर हो जाएगा, कोई मेगा इवेंट आएगा तो उसमें उसका नाम नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा। बात करनी चाहिए आज मैं शुभमन गिल से शुरू करूंगा। शुभमन गिल की हम कल वाले सेशन में बात कर रहे थे कि शुभमन गिल 50 तो मार रहा है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि वो टीम में जगह बनाना है। कल हम एनालिसिस कर रहे थे इंडिया की फ्यूचर 11 क्या हो सकती है तो शुभमन गिल की वहां पे जगह ही नहीं बन रही बिल्कुल। Exactly. क्योंकि अभी सूर्या कुमार यादव भी बाहर है, हार्दिक पांड्या भी बाहर है और जो हरीशा पंत है वो भी बाहर है क्योंकि ये सब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के साथ। अच्छा एक भाई ने भी सवाल यहाँ पे कर दिया, भाई तुम जवाब लेके जाओगे, कहते हैं क्या अब गिल को बोले क्या संजू सैमसन ही स्लो खेला? मेरी बात सुनो, संजू सैमसन किस पोजीशन के ऊपर आया था? अब गौर से बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था अगर गिल वन डाउन के ऊपर आके ये बल्लेबाजी करे तो गिल को मैं कहूँ चलो ठीक है क्योंकि अर्ली विकेट्स गिर जाती है। संजू सैमसन जिस पोजीशन पे आया था उस पर विकेट्स गिरे हुए थे तो उसकी कंडीशन की ये डिमांड थी कि उसको ऐसे खेलना था। गिल एक ओपनर है, ओपनर के ऊपर प्रेशर नहीं होता और ना गिल ने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली। 26 तारीख को आ रहे हैं गौतम गंभीर, वो कर लेंगे गिल को खुद ही सीधा और गिल मुझे नहीं लग रहा कि उस सीरीज के अंदर ओपनिंग करता बल्कि मैच भी खेलता नजर आ रहा है, कोई साफ सी बात है। मुकेश कुमार विद न्यू बॉल यार, इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर संजू सैमसन एंड इट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर द लोअर ऑर्डर, तो उन्होंने आके आज मौका था कि जब आपके पास इतनी अच्छी और शानदार किस्म की बारी होती है, बैटिंग ऑर्डर होता है, तो आपको हर दिन हर मैच में मौका भी नहीं मिलता। तो आज जायसवाल का फेलियर या कहें या अभिषेक का या गिल का, तो आज मौका था संजू सैमसन के पास, मौका था दुबे के साथ। तो दुबे ने भी एंड में बताया कि क्यों उसको टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए भी क्यों पिक किया था। 12-13 गेंदों पे जब आप आके 2 छक्के 2 चौके मार देते तो उस नंबर पे उस स्टेज पे आपसे यही एक्सपेक्टेड होता है और कि आप आके इस तरह की बैटिंग करके आराम से आप अपना जो काम है पूरा करके चले जाएं। इस नंबर पे आने वाले बैट्समैन से यही एक्सपेक्टेड होता है। तो दुबे ने भी आज दबा दबा के चौके छक्के मारे, 2 चौके 2 छक्के, 12 गेंदों पे 26, तो और क्या चाहिए उस नंबर पे बैटिंग करते हुए, उस नंबर पे इससे बढ़ के और क्या चाहिए आपको।
खैर संजू सैमसन ही वॉज एक्सेप्शनल, पहले टाइम भी लिया रियान पराग के साथ, थोड़ा पराग आई थिंक थोड़ा वी वर एक्सपेक्टिंग के थोड़ा और बेहतर खेलेगा, बट एनीवेज संजू सैमसन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्का मारा, जो स्पिनर के खिलाफ भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारा और जो फास्ट बॉलर के खिलाफ भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्का, दैट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट। दोनों वो शॉट्स थी वो बहुत ही शानदार शॉट्स थी और संजू सैमसन अब बता रहे कि भाई कितने ज्यादा अरसे से वो टीम इंडिया में आने की कोशिश में तो हर बंदा ही होता है लेकिन चांस भी उस तरह तसलसल से मिले नहीं है संजू सैमसन को, लेकिन जब जब जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो उसको अच्छा कैपिटलाइज कर रहा है, ये बड़ी अच्छी और शानदार बात है। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी ही वॉज देयर और अभी वहां पे तो जाहिर है फिर ऋषभ पंत को मौका मिला, लेकिन संजू सैमसन को भी जहां जहां बीच में जरूरत महसूस होती है टीम इंडिया में खिलाया जाता है, डाला जाता है और आज उसका दिन था, उसने अपना टाइम भी लिया और लेकिन अच्छा अपनी टीम का टोटल जो है वो फंसी हुई सिचुएशन से बेहतर से बेहतर से बेहतरीन और एंड पे अच्छा चार्ज करते हुए छक्के चौके मारते हुए आउट हुआ।